नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का 174वें दिन के क्लास को देखने वाले। तो दोस्तों, अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं कि मेरा है मेरा नहीं है, इस तरह से इंग्लिश जो कि हैव लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, तो बहुत ही तरीके से, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि हमारा रुपया नहीं है, तो ये सेंटेंस जो है कैसे आप बनाएंगे। तो अगर आप जानते हैं हैव का प्रयोग, डू हैव का प्रयोग, तो आप आसानी से बना लेंगे। तो इसी पे बात करेंगे किस तरह से जो है बनाने वाला। जैसे कि हमारा रुपया नहीं है तो इसका होगा वी डोंट हैव, वी हैव डोंट हैव एनी मनी। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आसानी से अगर आप बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं तरह तरह के सेंटेंस फॉर्मेट को, तो आप इस वीडियो में बने रहें। साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो दोस्तों, साथ साथ अगर आप पिछले वीडियो पर जाना चाहेंगे तो ओमनीसिएंट इंग्लिश टाइप कीजिए यूट्यूब के सर्च में, तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएगा, या नीचे टाइटल के बगल में डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ से भी सारे वीडियो के लिंक आपको मिलेंगे। देखिए, अगर लिखना जितना ही इम्पॉर्टेंट है, अगर तो क्योंकि दोस्तों आपके पास मोबाइल है और आज के ज़माना में हर जगह कहीं ना कहीं एक दो सेंटेंस आप जरूर इंग्लिश में लिखते हैं, वैसे में अगर आपको तरह तरह के सेंटेंस फॉर्मेट आपको दिया जाए जिससे कि आप आसानी से लिख पाएँ, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। साथ साथ बोलना और भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा कहीं भी बीच में एक ग्रुप है, अपने फ्रेंड्स का ग्रुप है, कहीं भी एक लाइन अगर बोलते हैं तो जो दूसरा जो सुन रहा है वो कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित होता है, वो बहुत ही अटेंशन देने लगता है आपको। इसलिए इंग्लिश जरूर बोलिए। और इस वीडियो में दोस्तों सब कुछ ही इजी स्टेप में बताया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ग्रामर कोई खास प्रयोग नहीं किया गया है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों डू हैव से रिलेटेड सेंटेंस में। डू हैव जो कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट का भी या प्रेजेंट का भी। तो पास्ट का बात करेंगे यहाँ पर, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका पहले प्रेजेंट उसके बाद पास्ट का हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ये एक दोस्तों सब्जेक्ट चार्ट है, और इस सब्जेक्ट चार्ट में थोड़ा सा बदलाव है, क्योंकि अभी तक जो सब्जेक्ट चार्ट हुआ करता था उसमें मैं और हम लोग, तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है क्योंकि पॉजिटिव टाइप का ही है। तो देखिए, आई यहाँ पर मेरा मेरी, और वी मीन्स हमारा हम लोग का, ठीक है। उसके बाद यू से तुम्हारा आपका, और यू प्लूरल हो जाएगा तुम लोग का आप लोग का। तो दोस्तों आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है यानी प्रथम पुरुष, और यू यू जो है दोस्तों सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक जो है दोस्तों सारे के सारे थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष है। ये तो बात हुआ। अब देखिए, ही यहाँ पर ही उसका हो जाएगा, सी मीन्स उसकी हो जाएगी, इट मीन्स इसका, दिस मीन्स इसका, दैट मीन्स उसका, और दिस गर्ल है तो इस लड़की का, दैट बॉय उस लड़का का, और रमेश है तो रमेश का। इस तरह से इसी तरफ प्लूरल देखेंगे तो वे लोग का, इन लोग का, दिस का दिस हो जाएगा, तो इन सब का, ये सब का, उन सब का, वे सब का, दिस गर्ल्स ये सब लड़कियां का, और दोज बॉयज तो वे सब लड़कियां लड़कों का, ठीक है। तो यहाँ लड़कों हो जाएगा, तो ये इस तरह का है। और मिसेस रमेश यानी रमेश सब का, रमेश लोग का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एक और बात दोस्तों, यहाँ आई से लेकर यहाँ दैट तक बात की जाए तो ये सारे के सारे जो है प्रोनाउन है। प्रोनाउन यानी कि नाउन के बदले में जो भी वर्ड का इस्तेमाल किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ एक नाउन है, नाउन भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन नाउन के जगह या बार बार नाउन के बदले में जो जो शब्द अंग्रेजी या हिंदी में जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन या हिंदी में प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और देखिए, वर्ब जो है डू हैव का है। देखिए, डू हैव का सेंटेंसेस चूँकि छूटा हुआ था, पहले जो हैव से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस हो गया था वर्ब टू बी में, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू हैव, तो ये टू डू हैव से रिलेटेड सेंटेंस पास्ट का है। यानी वर्ब से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस जो कि वर्ब टू बी से था, वो उसका ये लास्ट वाला सीक्वेंस है एक तरह से कहा जाए तो। अब आइए देखते हैं कि किस तरह के सेंटेंस बनेंगे, आपसे एग्जाम्पल भी देते चलेंगे। तो देखिए, आई डू हैव बहुत ही सिंपल तरीका से कुछ और बात करते हैं इस पर हम लोग। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जब हम लोग बात करेंगे तो डू हैव नहीं बल्कि डज हैव रहेगा, बाकी सभी जगह जो है डू हैव का ही इस्तेमाल होगा प्रेजेंट में। पास्ट में रहता तो सभी जगह डिड हैव का। अब देखिए,
डू हैव क्रिया का अब जो अर्थ है अस्थाई अभाव है, ठीक है, अस्थाई अभाव, और हैव अगर रहता सिर्फ तो अस्थाई अभाव बोध कराता, तो जाहिर सी बात है डू हैव अस्थाई अभाव का और हैव सिर्फ रहता तो अस्थाई अभाव, यानी जहाँ तक डू हैव परमानेंट अभाव बता रहा है वही जो अगर हैव रहता तो सिर्फ रहता कि टेम्प्रोरी जो है अभाव वाले, यानी कि अस्थाई अभाव। जैसे इसका नेगेटिव अगर हम लोग लेंगे, आई डू नॉट हैव, यानी कि मेरा नहीं है का मतलब हो जाता है कि मेरे पास है ही नहीं, यहाँ इस सेंटेंस में जब बात करेंगे हम लोग। तो देखिए दूसरा सेंटेंस है, आप देखेंगे यहाँ पर आई डू नॉट हैव, यानी आई डोंट हैव, इसका मतलब है कि मेरे पास है ही नहीं, ये है। जैसे आई, बहुत ही ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये हैव से रिलेटेड सेंटेंस है। इसका देखिए, अब एक सेंटेंस पहले आपने देखा होगा कई बार कि आई हैव, ठीक है, या हैव है इसके, आई हैव नॉट, ये भी एक सेंटेंस था, आई हैव नॉट, इसका मतलब होता था मेरा नहीं है, मतलब कि अब नहीं है, थोड़ी देर बाद हो सकता है, तो आई हैव नॉट से रिलेटिव सेंटेंस बनाते थे जिसमें ये था कि मेरा नहीं है। लेकिन यहाँ है दोस्तों आई डू नॉट हैव, यानी कि मेरा है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। थोड़ा सा सेंस को समझेंगे क्योंकि सेंस समझना इंग्लिश में बहुत ही बड़ी बात है, तो याद रखेंगे। अब देखिए सेंटेंस जो होता है दोस्तों चार तरह का होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो ये है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, अब तीसरा देखिए इंट्रोगेटिव है ये वाला, और चौथा है दोस्तों नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो देखिए डू आई हैव, क्या मेरा है, क्या मेरी है, डू आई नॉट हैव, क्या मेरा नहीं है, क्या मेरी नहीं है। अब दोस्तों एक कुछ और बात मैं आपको बताते चलता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डू हैव क्रिया का चाहे प्रेजेंट या पास्ट कहीं भी जो है, हैव का जो ये हैव आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट या पास्ट कहीं भी बदलाव नहीं आएगा, हैव का हैव ही रहेगा, बल्कि डू का होता है, यानी पास्ट में जब आएंगे हम लोग तो डू का डिड हो जाएगा, सेम ही सेंटेंस रहेगा, यहाँ पर मेरा है का जगह मेरा था हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आई डू नॉट हैव, यहाँ जो कि आप सेंटेंस देख रहे थे नेगेटिव वाला, आई डू नॉट हैव का संक्षेप में आई डोंट हैव भी लिख सकते हैं, तो ध्यान देना होगा इस बात को। तो आइए अगर बढ़ते हैं, आप देखिए दोस्तों ये तो चार तरह का सेंटेंस था, इसके अलावा आठ तरह के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जो कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है, जिसमें हु, उसके बाद विच के बाद दोस्तों व्हेन, वेयर और हुज, ये पांच तरह का, और इसके अलावा तीन और है जो कि आप यहीं इसी स्लाइड में देखने वाले हैं, तो इसका भी आप बहुत ही सावधानी से इसका प्रयोग करें ताकि आप अधिक से अधिक सेंटेंस को समझ पाएं, लिख पाएं। जितना ही अधिक आप इस तरह के ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करिएगा उतना ही अधिक से अधिक आपका पकड़ बनेगा इंग्लिश सेंटेंस बोलने में और लिखने में भी। तो देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ जो ये इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है इसका उठा कर यहाँ पर लाते हैं, सिंपल तरीका है, यहाँ पर या इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच क्वेश्चन पहले रख देने से सेंटेंसेस बन जाता है। जैसे व्हाट डू आई हैव, मेरा क्या है, मेरा क्या है, मेरी क्या है। इसके बाद देखिए व्हाट डू आई नॉट हैव, तो व्हाट डू आई नॉट हैव, तो यानी कि मेरा क्या नहीं है, ठीक है, मेरा क्या नहीं है, ये सेंटेंस बनेगा। अब इसका देखिए वाई से लेते हैं, वाई डू आई हैव, मेरा क्यों है, वाई डू आई नॉट हैव, मेरा क्यों नहीं है। हाउ से लेते हैं, हाउ डू आई हैव, मेरा कैसे है, हाउ डू आई नॉट हैव, मेरा कैसे नहीं है। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन को रख कर जो है प्रश्न करना आप सीख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आठ तरह का आप हर सेंटेंस के साथ लिखेंगे बोलेंगे। तो लिखना है दोस्तों तो एक कैसे, एक कॉपी में, एक जो आपके पास एक कॉपी ए फोर साइज का रहेगा उस कॉपी में क्या करना है, मान लीजिए कॉपी ए फोर साइज का, तो यहाँ पर एक पेज को दो हिस्से में बांट लीजिए, इधर सिंगुलर वाले सेंटेंस लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट मैंने दिखाया था, और इधर लिखेंगे प्लूरल वाले सेंटेंस। अब इसे मान लीजिए कि यहाँ पर आई लिखते हैं आई डू हैव, ठीक है, इसका हिंदी जो है यहाँ लिखेंगे,
और जो नेक्स्ट स्लाइड में चलेगा तो ये टोटल सेंटेंस जो आप देख रहे हैं पूरा स्लाइड का, ये इस वाले कॉलम में हमको भर देना है सिंगुलर में। अब प्लुरल वाला सेंटेंस जो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे उसको यहाँ पर, जैसे वी डू हैव, ठीक है, वी डू हैव वाले सेंटेंसेस और यहाँ पर हिंदी इसका इंग्लिश सारे का सारे यहाँ भरेंगे, जो कि अगले स्लाइड में आप देखेंगे। तो देखिए जैसे ये वाला भरना है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, वी डू हैव हमारा है, हम लोग का है, वी डू नॉट हैव या वी डोंट हैव हमारा नहीं है, हम लोग का नहीं है, वी डू वी हैव क्या हम लोग का है क्या हमारा है, डू वी नॉट हैव क्या हम लोग का नहीं है क्या हमारा नहीं है। तो ये देखिए चार तरह के सेंटेंस जो होते हैं, अफर्मेटिव वाले, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो इसमें इंट्रोगेटिव में यहाँ पर और यहाँ पर डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगाएंगे, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो कि आठ तरह का मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, तो उसको लगाएंगे। अब तीन तरह के यहाँ लगाते हैं, जैसे व्हाट लगाते हैं, तो व्हाट इंट्रोगेटिव के साथ, व्हाट डू वी हैव हम लोग का क्या है, व्हाट डू वी नॉट हैव हम लोग का क्या नहीं है, व्हाई डू वी हैव हम लोग का क्यों है, व्हाई डू वी नॉट हैव हम लोग का क्यों नहीं है, हाउ डू वी हैव हम लोग का कैसे है, हाउ डू वी नॉट हैव हम लोग का कैसे नहीं है। तो ये दोस्तों वी से रिलेटेड सेंटेंसेस जो कि पिछले एक ही पेज में लिखना है आपको। अब देखिए यू सेकंड पर्सन यू का देखेंगे सिंगुलर नंबर वाला, तो यू डू हैव तुम्हारा है आपका है, यू डोंट हैव या डू नॉट हैव तुम्हारा नहीं है आपका नहीं है, डू यू हैव क्या तुम्हारा है क्या आपका है, डू यू नॉट हैव क्या तुम्हारा नहीं है क्या आपका नहीं है। तो अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव ये वाला और नेगेटिव इंट्रोगेटिव यहाँ दोनों डब्ल्यू टू क्वेश्चन लगाएंगे, बारी बारी से देखेंगे दोनों तरह से। तो ये देखिए इंट्रोगेटिव वाले में व्हाट डू यू हैव तुम्हारा क्या है आपका क्या है, व्हाट डू यू नॉट हैव तुम्हारा क्या नहीं है आपका क्या नहीं है, व्हाई डू यू हैव तुम्हारा क्यों है, व्हाई डू यू नॉट हैव तुम्हारा क्यों नहीं है, हाउ डू यू हैव तुम्हारा कैसे है भाई आपका कैसे है, हाउ डू यू नॉट हैव तुम्हारा कैसे नहीं है आपका कैसे नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में भी इसका प्लूरल लिखेंगे, तो यानी एक पेज में ही लिखना है ये सिंगुलर वाला सेंटेंस। अब देखिए प्लूरल वाला सेंटेंस जो है लिखेंगे उसको भी एक ही पेज में लिखना है, तो एक साइड में पेज का एक साइड में ये, और मतलब कि आप समझ रहे होंगे ये मान लीजिए एक पेज का एक पेज है, तो एक हिस्से में जो है यहाँ पर जो ये पूरा स्लाइड जो आप देख रहे हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे और अगले हिस्से में प्लूरल का लिखेंगे, ठीक है, जो कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा हिंदी इंग्लिश फिर हिंदी करके आप लिख सकते हैं, काफ़ी लंबा लाइन भी होता है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ तो ये पूरा स्लाइड का जैसे यू यहाँ पर लिखेंगे, यू डू हैव नीचे हिंदी, फिर नीचे यू डोंट हैव उसके हिंदी, डू यू हैव उसके नीचे हिंदी, तो इस तरह से प्लूरल वाला देख रहे हैं ऐसे लिखेंगे। तो ये जो पूरा स्लाइड आप देखेंगे उसको वहाँ पर भरेंगे हम लोग, तो यू डू हैव इंग्लिश सेम रहेगा, हिंदी में बदलाव जो सब्जेक्ट है वो रहता है, तुम लोग का है आप लोग का है, यू डोंट हैव यू डू नॉट हैव तुम लोग का नहीं है आप लोग का नहीं है, डू यू हैव क्या तुम लोग का है आप लोग का है, डू यू नॉट हैव क्या तुम लोग का नहीं है। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यहाँ पर डब्ल्यू एच क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में लगाएंगे। देखिए व्हाट डू यू हैव तुम लोग का क्या है आप लोग का क्या है, व्हाट डू यू नॉट हैव तुम लोग का क्या नहीं है आप लोग क्या नहीं है, व्हाई डू यू हैव तुम लोग का क्यों है, व्हाई डू यू नॉट हैव तुम लोग का क्यों नहीं है, हाउ डू यू हैव तुम लोग का कैसे है, हाउ डू यू नॉट हैव तुम लोग का कैसे नहीं है। दोस्तों ये सेंटेंस भी उसी पेज में, अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव आएगा, डू हैव की जगह डज हैव हो जाएगा, यानी डू जो है बदल कर डज में आएगा सिंगुलर नंबर में सिर्फ। तो पूरा सेंटेंस में आप जहाँ भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का रहेगा वहाँ पर सिर्फ डज लिखेंगे, हैव तो रहेगा ये हैज नहीं आएगा, याद रखिएगा हैव ये हैव में कोई परिवर्तन नहीं होगा चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो। तो ही डज हैव उसका है उनका है, ही डज नॉट हैव या ही डज नॉट हैव या ही डजंट हैव
उसका नहीं है, उनका नहीं है। डज ही हैव, क्या उसका है। डज ही नॉट हैव, क्या उसका नहीं है। तो देखिए ये चार तरह का सेंटेंस होता है, एक तो अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब देखिए सिंपल सा तरीका से बनता है इंट्रोगेटिव, तो डज को अगर पहले लिख देंगे तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा इसी, और नेगेटिव वाला डज सेंटेंस में डज को इधर लाते हैं तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि तीन तरह का यहाँ है और पांच तरह का आपको खुद से जो है लगाना, लिखना, बोलना है। तो व्हाट डज ही हैव, उसका क्या है, यानी कि व्हाट डज ही हैव यानी कि उसका क्या है। उसी तरह व्हाट डज ही नॉट हैव, उसका क्या नहीं है। व्हाई डज ही हैव, उसका क्यों है। व्हाई डज ही नॉट हैव, उसका क्यों नहीं है। हाउ डज ही हैव, उसका कैसे है। हाउ डज ही नॉट हैव, उसका कैसे नहीं है। दोस्तों ये डज है और थर्ड पर्सन में लगेगा, तो ही डज हैव से रिलेटेड सेंटेंसेस। अब देखेंगे सी के साथ, यहाँ भी चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो सी डज हैव, उसका है, उसकी है, उनकी है, क्योंकि लड़की है। सी डज नॉट हैव, उसकी नहीं है। डज सी हैव, क्या उसकी है। डज सी नॉट हैव, क्या उसकी नहीं है। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगाना होगा। तो व्हाट डज सी हैव, उसका या उसकी क्या है। व्हाट डज सी नॉट हैव, उसकी क्या नहीं है, उसका क्या नहीं है, जैसे भी बोलते हो। व्हाई डज सी हैव, उसकी क्यों है। व्हाई डज सी नॉट हैव, उसकी क्यों नहीं है। हाउ डज सी हैव, उसकी कैसे है। How does she not have, उसकी कैसे नहीं है। अब देखिए एक और बात दोस्तों, थर्ड पर्सन तो सिंगल नंबर है, अब यहाँ देखिए ये प्लूरल नंबर वाला, तो सी आपने देखा पिछले स्लाइड में उसके पहले ही, दोनों का प्लूरल होता है दोस्तों दे, ठीक है। दे का मतलब वे लोग, और दोनों का बारी बारी से स्लाइड में लिखेंगे, सी के साथ अलग, ही के साथ अलग, एक ही पेज में लिखेंगे। तो यानी ही के साथ एक पेज में ही वाला सेंटेंसेस पूरा, जो स्लाइड देखा आपने, फिर जो दी स्लाइड में दे वाला देखे एक साथ, फिर सी, फिर उसी पेज में सी के साथ दे का, यानी कि सी और ही दोनों के लिए एक ही तरह का सेंटेंस है, इसलिए स्लाइड भी मैंने एक ही लिया है यहाँ पर। जैसे दे डू हैव, दे डू हैव यानी वे लोग का है। नेगेटिव बनाएंगे, दे डू नॉट हैव या दे डोंट हैव, वे लोग का नहीं है। डू दे हैव, क्या वे लोग का है। Do they not have, क्या वे लोग का नहीं है। दोस्तों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में यहाँ पर और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यहाँ पर डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे do they have है यहाँ पर, तो do they have यहाँ भी देख रहे होंगे, तो what do they have, वे लोग का क्या है। What do they not have, वे लोग का क्या नहीं है। Why do they have, वे लोग का क्यों है। Why do they not have, वे लोग का क्यों नहीं है। How do they have, वे लोग का कैसे है। देखिए हाउ डू दे नॉट हैव, वे लोग का कैसे नहीं है। एक और बात दोस्तों, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे एक सेंटेंस बनाएंगे कि वे लोग के जेब में रुपया नहीं है, ठीक है। वे लोग के जेब में या पॉकेट में रुपया नहीं है, ये सेंटेंस को कैसे देखिए बढ़ाया जा रहा है। वे लोग के पॉकेट में रुपया नहीं, वे लोग के जेब में रुपया नहीं, तो सेंटेंस तो ईजी है दोस्तों। दे अब सीधा सीधे बोलेंगे दोस्तों, दे डू नॉट हैव एनी या दे डू नॉट हैव मनी इन देयर पॉकेट या इन पॉकेट, सिंपल सा आप बोल सकते हैं। तो इसी तरह का सेंटेंस जो है यहाँ पर आपको अलग से आगे जोड़ जोड़ कर बनाना होगा, ताकि आप अधिक से अधिक सेंटेंस का विस्तार दे पाएँ और उसको समझ पाएँ। एक पैटर्न है, एक सिंपल सेंटेंस जिसको आप आगे बढ़ा सकते हैं आसानी से। इस तरह के सेंटेंस को आप हैव से रिलेटेड सेंटेंस बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लोग बोलते हैं। अब आइए एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लेते हैं, नाम जो कि प्रतीकात्मक टाइप का है, मान लीजिए विशाल है एक नाम है। तो अपने घर में जो भी छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके साथ भी आप इस तरह का जो है नाम लेकर हैव वाले सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, ताकि और अधिक से आप सीख पाएँ। तो विशाल डज हैव, विशाल का है, मतलब विशाल डज है, विशाल का है, जो कि थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पर डज हो जाएगा।
विशाल डज नॉट हैव या डजंट हैव, विशाल का नहीं है, डज विशाल है, क्या विशाल का है, डज विशाल नॉट हैव, क्या विशाल का नहीं है। दोस्तों ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में यहाँ पर, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यहाँ पर डबल क्वेश्चन लगाएंगे, तो लगाते हैं दोस्तों। व्हाट डज विशाल है, विशाल का क्या है, व्हाट डज विशाल नॉट है, विशाल का क्या नहीं है, व्हाई डज विशाल है, विशाल का क्यों है, व्हाई डज विशाल नॉट है, विशाल का क्यों नहीं है, हाउ डज विशाल है, विशाल का कैसे है, और हाउ डज विशाल नॉट है, विशाल का कैसे नहीं है। अब एक बात और दोस्तों, अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो क्या करना है कि नाम के पहले जो है दोस्तों मेसर्स लिख देना, एम बड़ा छोटा एस, मेसर्स विशाल डज है, वैसे डू यहाँ पर डज के जगह क्या कर देंगे, डू कर देंगे, ठीक है, इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो मेसर्स विशाल डू है, विशाल का है, विशाल लोक का है, तो यहाँ पर हो जाएगा तो विशाल लोक का है, तो इसका यहाँ पर विशाल सा भी विशाल लोक का बनाकर आप सिंगुलर वाले और फिर प्लूरल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों विशाल से रिलेटेड सिंगुलर सेंटेंस, प्लूरल बनाने में मेसर्स लगाएंगे विशाल के पहले और डूज के जगह डू सभी जगह लगाकर यहाँ पर हिंदी में विशाल सा भी विशाल लोक लिखकर आप सिंगुलर प्लूरल दोनों कर सकते हैं, तो ठीक है। तो अब आइए दोस्तों इस वीडियो में ही तक रखते हैं और इसका पास्ट वाला देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी को, जिनको भी सीखना है इंग्लिश बोलना लिखना, तो अगर आप सीखना सच में सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें, इस सीरीज के साथ बने रहें, हर वीडियो को देखें, कोई मिस नहीं करें, क्योंकि 10-20 मिनट आपका अगर जाता है, अगर आप कुछ सीख जाते हैं तो आप जीवन में कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइएगा आने वाले वीडियो के लिए। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना दोस्तों धन्यवाद, आपका धन्यवाद, और अपना ध्यान रखें, थैंक यू वॉचिंग।